अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि आज 24 मई है और 24 मई से जो कश्मीर यूनिवर्सिटी पीजी इंट्रेंस और बीएलएलबी के जो इंट्रेंस के फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे लगना स्टार्ट हुए हैं, तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है। विद इन 5 मिनट्स आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ऑनलाइन ही ये फॉर्म सबमिट होगा, ऑफलाइन कहीं पर नहीं होगा। तो सारा प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से आपको अपना फॉर्म लगना है, कहाँ पर क्या फिलअप करना है। तो सारी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो पीजी इंट्रेंस है इसमें दो टाइप्स के कोर्सेज होते हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स होता है एक नॉन प्रोफेशनल होता है। तो प्रोफेशनल में आता है एमटीटीएम, एमएड आता है, एमपीएड आता है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म आता है, एमसी आता है, एलएलबी आता है 3 ईयर का और बीएलएलबी इंटीग्रेटेड 5 साल का आता है। उसके बाद नॉन प्रोफेशनल में आता है पीजी अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल उर्दू हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो वो आता है नॉन प्रोफेशनल में। तो आपको यहाँ पे दो टाइप के कोर्सेज हैं, आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना है, एक ही फॉर्म दोनों के लिए नहीं लगने वाला है। जिस हिसाब से आप कोर्स होगा उसी हिसाब से फॉर्म लगना है। इसकी 750 आपको फी जो है वो ऑनलाइन पे करनी है। तो यहाँ पे मैं प्रोफेशनल कोर्स बीएलएलबी का यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि काफी ज्यादा 12th बेस्ड स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो सेम प्रोसीजर है सारे कोर्सेज का, तो यहाँ पे हम आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इस पर मैं टैप कर देता हूँ, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे। तो अगर आपको क्रोम से साइट ना चले तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर जो है उसको डाउनलोड कर देना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर देना। तो यहाँ पे आने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन का पेज दिखेगा, इनको आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे आई रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस पे टैप करना है। तो साइट को आपने डेस्कटॉप मोड पे रख लेना, इसका ख्याल रख लेना है आपको। तो यहाँ पे आपका यूजर नाम, जो यूजर नेम होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यूजर नेम कैसे आपको रख लेना है, अपना नाम उसके साथ 123 कुछ भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे डालना है आपको, रीटाइप करना है, देन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। तो ये सारी डिटेल्स मैं पहले फिलअप कर देता हूँ, कर दिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना है। यूजर नेम जो ही आप डालोगे यहाँ पे तो चेक अवेलेबिलिटी डाल पे टैप करना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा ये यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं है। अपने नाम के साथ 1 2 लगा देना, अगर वो अवेलेबल नहीं हुआ देन 1 2 3 4 इस तरह से लगा लेना। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल होगी, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर पे टैप कर देता हूँ। रजिस्टर पे टैप करने के बाद यहाँ पे योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे मैं ओके पे टैप कर देता हूँ। ओके पे टैप जो ही मैं करूँगा तो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे लॉग इन का मेरे पास ओपन होगा। तो जो मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर रखा था, यूजर नेम रखा था, वो यहां पे डालना है और पासवर्ड डालना है और साइन इन कर देना है। और साइन इन पे क्लिक कर देता हूं यहां पे मैं, तो जो ही मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूं तो यहां पे मेरे पास फॉर्म जो है वो ओपन हो गया। तो मैं यहां पे लॉगिन हो गया, ऊपर दिखेगा आपको वेलकम यहां पे दिख रहा है। तो पहले आपको देख लेना है जो कोर्स आपने करना है उसकी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है उसको भी एक बार देख लेना है। तो यहां पे आपको क्या काम करना है, इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे डाल देना है। पहले अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो 12th की मार्कशीट पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहां पे डाल देना है। अगर आपको कोई और कोर्स पीजी करना है तो उसके लिए भी आपकी मार्कशीट पे होगा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा या इनरोलमेंट नंबर, जो भी कॉलेज की तरफ से आता है यहाँ पे डाल देना है। कुछ भी डाल देता हूँ मैं, एज ए सैंपल आपको दिखा रहा हूँ फॉर्म। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास पूरा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। पहले आपको अपना नाम डालना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर वहीं से आ जाएगी, कैटेगरी क्या होगी आपके पास वो यहाँ पे आपने चूज करनी है। यहाँ पे देखें RBA होगी, ALC, SC, ST जो भी होगी वो अपने हिसाब से आपको चूज करनी है। ईमेल आईडी और एड्रेस यहाँ पे डालना है, फिर डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करना है, जेंडर चूज करना है, रेजिडेंशियल में आपको J&K से है तो यस, अदरवाइज नो, वेदर यू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, माइग्रेशन की है तो यस, अदरवाइज नो कर सकते हैं आप। देन उसके बाद ये सारी डिटेल्स फिल करता हूँ, देन मैं आगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स किस तरह से डालनी है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस डाल दी है, एज ए सैम्पल मैं दिखा रहा हूँ, आप अपनी डिटेल्स जो वो कॉन्शियसली डालना, जिस तरह मार्कशीट पे होंगी उसी हिसाब से डालना है। तो यहाँ पे आपने कोर्स चूज करना है कौन सी आपने क्वालिफाई की है, तो इस पर सिलेक्ट कोर्स पे अगर आप टैप करोगे तो आपके पास 12th BA ऑनर्स, BLLB, BBA जो भी आपने किया होगा वो यहाँ पे आपने डालना है। तो मैंने यहाँ पे BLLB के लिए फॉर्म फिलअप करना है तो मैं यहाँ पे 12th चूज करूंगा। अगर आपने LLB करना है तो BA चूज करना है, जो भी आपको करना होगा, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो चूज कर देनी है। तो मैं 12th पे यहाँ पे टैप कर देता हूँ, टैप करने के बाद यहाँ पे मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो गो पे जो ही मैं क्लिक कर देता हूँ तो पे आ जाएगा मेरे पास 12th की डिटेल्स मुझे डालनी है। यहाँ पे 12th मेरे एग्जामिनेशन आ रहा है, रोल नंबर क्या था 12th का वो डालना है, ईयर ऑफ पासिंग, सेशन क्या था, एनुअल था या बाय एनुअल था। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ बोर्ड पे यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, सब्जेक्ट कौन था, बायोलॉजी थी मेरे पास, यहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों थी तो मैं तीनों पे टैप कर देता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500 होते हैं तो 500 लिखने हैं आपको, ऑब्टेनिट कितने हैं और परसेंटेज क्या वो आती है वो खुद यहाँ पे आ जाएगी, और यूनिवर्सिटी या बोर्ड, बोर्ड है 12th का तो मैं JK बोस यहाँ पे डाल देता हूँ। नहीं तो आपको अपना फोटो भी यहाँ पे डालना होगा, रिसेंट का फोटो, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स मैंने डाली है 12th की। अगर आपके पास और भी कुछ है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेनिड शुड बी द सम ऑफ 3 ईयर जो ग्रेजुएटेड होंगे तो उनको 3 साल का यहाँ पे डालना है, वो यहाँ पे खुद आप पढ़ सकते हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
हैव यू पास इट क्वालिफाइड एग्जाम अंडर चॉइस बेसिस क्रेडिट सिस्टम, अगर आपने किया है, मतलब ग्रेजुएट जो होंगे उनका सी बी सी एस में होता है तो यस करेंगे। मैंने ट्वेल्थ बेस चूज किया तो मैं इसको यस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली इसको स्किप करके नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे मेरे पास कोर्स आ रहा है, बी एल एल बी कैटेगरी मेरी ओपन दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं आप, जो भी लगाना होगा आपको। तो प्रेफरेंस मान में कश्मीर यूनिवर्सिटी है, प्रेफरेंस यहाँ पे आपको देनी है 2-3 प्रेफरेंस जितनी भी आपको मर्जी आ जाएगी। तो लॉ कॉलेज सोपोर में सेकंड में रख देता हूँ, के सी एफ पुलवामा में रख देता हूँ थर्ड, एंड नेक्स्ट यहाँ पे कश्मीर लॉ कॉलेज रख देता हूँ, और फिफ्थ में यहाँ पे वितास्ता स्कूल रख देता हूँ। तो उसके बाद 4-5 प्रेफरेंसेज मैंने रख दी, देन नेक्स्ट पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे जो ही मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म का प्रीव्यू आ रहा है, जो मैंने सबमिट किया है फॉर्म, इसको आपने एक बार देख लेना है, कहीं पे गलत अगर है तो प्रीवियस के पे टैप करके यहाँ पे उसको ठीक कर देना है, सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक, सबमिट पे क्लिक कर देना। तो सबमिट पे जो ही मैं क्लिक कर देता हूँ मेरा फॉर्म यहाँ पे 100% सबमिट हो गया है, और यहाँ पे मुझे मार्कशीट अपलोड करने का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें फॉर्म नंबर मेरा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने, इसको सेव करके रख लेना है। तो मार्कशीट जो भी होगी आपकी, ग्रेजुएट होंगे तो ग्रेजुएशन की लगानी है, ट्वेल्थ बेस चूज किया तो ट्वेल्थ की लगानी है। आप प्रीव्यू अपना फॉर्म कर सकते हैं, नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा प्रीव्यू का, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं अपना फॉर्म जो है वो कहीं गलत तो नहीं हुआ है। तो मेरा फॉर्म सारा ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया हमारा फॉर्म सक्सेसफुल। तो इसके बाद हमें जो है फी जो है वो पे करनी है, तो फी पे करने के लिए आपको क्या करना है, पे फी ऑनलाइन पे आपको टैप कर देना है। फी आपको मैंने ऑलरेडी बोला 750 आपको फी लगेगी, तो कंटिन्यू टू पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, 750 यहाँ पे मुझे कट जाएगी पेमेंट। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे तो मुझे फॉर्म फिलअप करना नहीं है, तो मैं फी यहाँ पे नहीं करूँगा। मैंने एज ए सैम्पल ये वीडियो आपको बनाया, तो इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिखाया। तो जिसको फी पे करनी होगा तो वो कंटिन्यू टू पे क्लिक करेगा, कंटिन्यू टू पे क्लिक करने के बाद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी होगा उसकी डिटेल्स डालनी होगी, तो 750 फी जो है वो आपकी कट जाएगी। तो आपको ऑनलाइन वाले के पास जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे आपको फॉर्म भी भरेंगे और एक्स्ट्रा चार्ज भी ले जाएंगे। तो फी आपको जो ही सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली, तो आपका फॉर्म जो है वो 100% सबमिट हो जाएगा, तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म लगा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने समझा दिया कैसे करना है क्या करना है। इस रिगार्डिंग अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मुझे वहां से डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं, होपफुली आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन मिल गई होगी किस तरह से फॉर्म फिलअप कर देना है।